हाय फ्रेंड्स, एक खच्चर है, आपने खच्चर ज़रूर देखे होंगे और ये एक विशिष्ट संकरण के उदाहरण है। और जब एक घोड़ी और गधा के बीच में जब संकरण कराया जाता है तो खच्चर जन्म लेते हैं। पैदा होने वाले खच्चर का आकार मादा घोड़ी पर निर्भर करता है कि घोड़ी किस प्रकार जितने आकार की होगी उसी आकार का खच्चर भी पैदा होगा। यानी घोड़ी को मेयर कहा जाता है और मेल डंकी तब म्यूल पैदा होगा, यानी MMM। खच्चर का आकार मादा घोड़ी पर यानी घोड़ी पर निर्भर करता है कि उसका साइज क्या है। जितना साइज घोड़ी का होगा उसी प्रकार का साइज खच्चर का भी होगा। यदि घोड़ी बड़ी होगी तो खच्चर भी बड़े होंगे। यदि घोड़े का संकरण गधे के साथ कराया जाता है तो बेसर या हिन्नी पैदा होते हैं। ये भी खच्चर के समान होते हैं लेकिन इनकी उत्पत्ति खच्चर के अपेक्षा दुर्लभ होती है। खच्चर और बेसर दोनों में जो स्टेमिना है वह घोड़े और गधे दोनों की अपेक्षा अधिक होता है। इनमें जो सहन शक्ति है वो गधे की आती है और जो आकार है वो घोड़े का मिलता है। खच्चर और बेसर यानी मादा खच्चर दोनों नपुंसक होते हैं। खच्चर कभी भी संतत पैदा नहीं करते लेकिन कभी कभी दुर्लभ परिस्थितियों में मादा खच्चर यानी बेसर गर्भ धारण कर सकती है। आशा है आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।